जी, तो हम जो है वो इनके किचन में जो है वो आ चुके हैं, जहाँ पे मतलब ये बना रहे हैं, बंद प्लस्तर जो है वो बन रहा है, कैफे हमीद में मौजूद हैं। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कितनी देर से ये दुकान मौजूद है, क्या स्पेशलिटी है कि लोगों को यहाँ का बंद प्लस्तर जो है वो पसंद आता है। बुशरा भी हमारे साथ ही है यहाँ पे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं कितने अरसे से ये पॉइंट यहाँ पे, काफी देर से पॉइंट मौजूद है सर। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे बंद प्लस्तर? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या स्पेशल है, आपको तैयार करके दिखाते हैं? चलें जी, बिल्कुल तैयार करके जो है वो हमें साथ साथ दिखाते हैं। सबसे पहले जो है वो तवे के ऊपर अंडा जो है वो इन्होंने डाल दी है। डालिए, आप इसकी तैयारी देखना, बड़ी मजेदार है और मतलब एक यूनिक तरीके से, स्पेशली ये लोग जो है मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि बन इन्होंने किस तरह से डाला है, तो मतलब एक यूनिक तरीके से बहुत ही मजेदार सा बन प्लस्तर और इतने इकोनॉमिकल रेट्स में कि आपको इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आजकल के दौर में इतना इकोनॉमिकल क्वालिटी फूड मिल सकता है। और इनके बन जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट से जो है वो लग रहे हैं। इन्होंने अंडा सबसे पहले डाला है, उसके ऊपर बन जो है वो रखती है काट दरमियान से कट करके, और साथ जो है वो मक्खन डाल दिया है, साथ साथ जो है वो गर्मा गर्म बन प्लस्तर जो है वो बना बना के दे रहे हैं। अच्छा कितने का ये? 80 रुपीज़ का। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं। अच्छा इसमें मसाले नहीं डालते कुछ? मसाले भी डालते हैं। कौन कौन से मसाले डालते हैं? काली नमक और ब्लैक पेपर की ड्रॉपिंग करते हैं। सही सही, ऊपर ब्लैक पेपर की जो है वो टॉपिंग जो है वो की जाती है और यहाँ पे साथ साथ जो है वो बना रहे हैं। मतलब आप इनकी शामी अगर ट्राई करें उसमें भी जो है काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है, तो मतलब दिल खराब या जलन, उस मतलब लाल मिर्च से आमतौर पर बहुत सारे लोगों का दिल खराब होता है, जलन होती है, लेकिन आप देखें उसमें कोई लाल मिर्च या कुछ इस तरह का यूज नहीं किया गया जिससे आपकी तबीयत खराब हो या जलन में उसको कुछ नहीं। काली मिर्च और नमक के साथ बना रहे हैं तो आपको पता है काली मिर्च और नमक ऐसे ही है, क्योंकि बाकी मिर्चियों से जो है वो आपको बाद में जलन हो जाती है चीज खाने के बाद, लेकिन यहाँ पे काली मिर्चें जो है वो डाली गई है, यूज की गई है, तो इसे खाने के बाद जो है वो आपको जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे ताजा ताजा जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं जो शामी अंदर डलती है इसमें क्या क्या चीजें जो है वो डलती है? दाल होती है और चिकन होता है और कभी मसाले ज्यादा होते हैं। जी मसाले कौन से हैं? मसाले काफी होते हैं, प्याज वगैरह और चीजें। कितनी देर में ये तैयार करते हैं? कितनी देर पहले? ये तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं। देखिए ये रोजाना सुबह जो है वो तैयार, सही यहाँ पर जो है वो तैयार हो रहे हैं बंद प्लस्तर और बहुत ही एक अंडा शामी बर्गर जिसे कहा जाता है ना, मतलब के वैसे तो कराची के बहुत फेमस है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा चेंज कर दिया, अंडा शामी बर्गर इज समथिंग एल्स के अंडा लगा के बीच में शामी लगा के आपने इसको देख रहे बंद प्लस्तर, मतलब एक नाम देखें फिर वो उसको बंद को ऐसे प्लस्तर करके पूरा तो फिर दिया जा रहा है। बन कबाब, ये बन प्लस्तर है, ये 1965 में दुकान बनाई थी कि वालद साहब ने अपने लिए ना वो एक बन के ऊपर आंडा डाला, मक्खन डाला, और किसी ने पूछा क्या बनाया, उन्होंने वैसे ही कह दिया बन प्लस्तर बनाया। अच्छा, मतलब कि वो इस तरह से जो है वो शुरू हो गया? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आपके वालद साहब ने? वालद साहब ने हमको छोटे छोटे से साथ बिल्कुल, मतलब कि तीसरी नजर जो है वो यहाँ पे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पॉइंट से शुरू किया था ये, पहले एमयू कॉलेज थी ना दुकान, उसके बाद इधर 30 साल इधर ही हो गया। सही है, 35 साल। अच्छा यहाँ पे जो है वो टिक्की बच्ची है जो कि ऑब्वियसली एक स्पेशल है, जो मसाले डालते हैं लोगों को पसंद आता है, क्या खासियत है उसमें, क्या क्या है वो? चिकन है, दाल है, मसाले पूरे, यानी कि 12 मसाले जो होते हैं ना वो ही है सारे। हाँ, कौन कौन से 12 मसाले बताते हैं जरा, स्पेशल कौन से हैं? लौंग होते हैं, दालचीनी होती है, जीरा होता है, तो पता नहीं क्या क्या मसाले होते हैं। सही सही सही। आपके वालिद साहब का नाम हमीद था? उनका नाम रशीद था। रशीद था, ये साथ वाली दुकान ना भाई की है। सही सही सही। ये उन्होंने नाम अपने वालिद साहब का नाम रखा है। सही सही, मतलब कि दोनों दुकानें जो है वो भाइयों की ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सही हो गया। चले जी, ये यहाँ के ओनर भी थे, इन्होंने भी हमें जो है वो बताया, और यहाँ पे भाई जो है वो बन प्लस्तर तैयार कर रहे थे, उनको 20 साल जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। मज़ेदार किस्म के मसाले वगैरह जो है वो डलते हैं और बुशरा जो है वो काफ़ी अरसे से यहाँ का बन प्लस्तर जो है वो खा भी रही है, तो मेरे ख्याल से हम भी चलते हैं खाते हैं और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ का बन प्लस्तर जो है वो कैसा लगता है और क्यों खाते हैं। आइए मेरे साथ। जी तो हमारे जो हैं वो बर्गर जो हैं वो आ चुके हैं बन प्लस्तर जिसे कहा जाता है और हमने जो है वो तैयार करवाए हैं, तो मेरे ख्याल से अब जो है वो खा के जो है स्पेशल वाले, बिल्कुल जी स्पेशल वाले जो हैं वो आज खा के जो है वो देखते हैं। स्पेशल बन प्लस्तर मिल गया। नहीं, यहाँ पे जो भी आएगा उसको ऐसे ही मिलेंगे स्पेशल किस्म के, ये स्पेशल हमने खुद ही लगा दिए, आप लोग भी आएंगे तो आपको यहाँ पे ये बन प्लस्तर जो है वो मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से हम ट्राई करते हैं।
और इसमें वैसे इन्होंने कोई चटनी सॉस वगैरह कुछ भी जो है ना वो साथ नहीं है। आप इसका टेस्ट देखिएगा, आपको चटनी सॉस वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा बहुत गर्म है अभी, बहुत लाइट सा आ गई। और इसमें अंडे का फ्लेवर जो है ना वो बहुत जबरदस्त आ रहा है, और अंदर जो टिक्की रखी हुई है ना दाल और चिकन की, बहुत मजेदार है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इतना लाइट सा है कि रात को खाएं, रात को 2 बजे खाएं, 3 बजे खाएं, ना दिल खराब ना कुछ ना कुछ, इतना लाइट सा आपको लगेगा नहीं कि मतलब कोई हमने बहुत हैवी चीज खाई और पेट भी भर रहे हैं। वैसे कुछ ना मुझे लगता था कि लड़कियां जो है ना वो ऐसे पॉइंट को पसंद नहीं करती, वो बस कहती है कि हम होटल्स में जाएं, तो हर जगह से मैं बहुत ईजी हो जाती हूँ, कम्फर्टेबल हो जाती हूँ। स्पेशली जगह से ज्यादा मुझे लगता है खाने का टेस्ट मैटर करता है, जगह से ज्यादा कि खाने का टेस्ट कैसा है, खाना कैसा है। और अगर आपको एक छोटी दुकान पे भी जो है अच्छा खाना मिल जाए तो मुझे लगता है ऊंची दुकान की का पकवान सुना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और स्ट्रीट फूड जो है ना उसमें तो एक अलग ही फ्लेवर जो है वो नजर आता है, जैसे कि अभी हम रोड पे बैठे हुए हैं, एक अलग ही यहाँ पे माहौल है, आप जो है वो देखने के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ पर बैठे जो है वो हम बर्गर इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार किस्म का टेस्ट है, और इसमें जो मसाले उन्होंने काली मिर्चों में जो इसे बनाया ना वो कमाल है, कमाल है, बहुत मजेदार। अंडा, इनकी शामी, इनका बन, इनका बनाने का तरीका, फिर उनके मसाले, ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। और बाद में ये जो ऊपर टॉपिंग करते हैं ना, वो जो इन्होंने काली मिर्चें और जो नमक का मिलके जो एक बनाया हुआ है मसाला सा, वो उसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। और बन जो है वो भी बिल्कुल फ्रेश, बहुत सॉफ्ट है, फ्रेश है। आपने देखा फूड कितना फ्रेश है, क्वालिटी वाला फूड है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जस्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें ना, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है खाने का तो मुझे लगता है उनसे बेहतर ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर अपनी क्वालिटी को आप मेंटेन रख लेना तो कोई भी पॉइंट चल जाता है। ये यहाँ पे 60 सालों से मौजूद है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ का बन प्लस्टर जो है वो खाने के लिए। ऑब्वियसली इनका टेस्ट है, और इनके वाले साहब ने शुरू किया था, एक मोटिवेशन भी है कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और 60 साल माशाल्लाह हो चुके हैं और यहाँ का बन प्लस्टर जो है वो काफ़ी फेमस है। और प्राइस की बात करें तो 80 रुपये में जो है वो एक बर्गर जो है बन प्लस्टर जो है वो आपको मिल जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग है यार। 80 रुपये में आपको इस तरह खाना कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है।